नमस्ते, वेलकम टू जयास किचन खजाना। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये विंटर स्पेशल अलसी और तिल के लड्डू। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें इस विंटर में इसे। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस की मिलती रहें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक पैन गर्म करेंगे और यहाँ पे मैंने लिया है ओट्स। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप इसके रिप्लेस में भुना चना भी ले सकते हैं, उसे पीस करके उसका पाउडर बना लें, और अगर वो भी नहीं है तो आप इसके रिप्लेस में आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओट्स को अच्छे से भून लेंगे, अगर आप आटा ले रहे हैं तो आटे को अच्छे से भून लें। देखिए अच्छे से भून चुका है, ये जो ओट्स हैं रोल हो गए हैं, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो अब इसे मैंने निकाल लिया। इसके साथ यहाँ पे मैं कुछ बादाम रोस्ट कर ले रही हूँ, आप ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग इसमें यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से भून लेंगे। तो ये देख सकते हैं ये बादाम भी अच्छे से भून गए हैं, इसे अब निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी पसंद हो आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पे हम भून लेंगे तिल, ये सफेद तिल लिया है मैंने, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनना है हमें, नहीं तो जो लड्डू है वो कड़वे हो जाएंगे। इसे हल्का सा ही भूनना है। ताकि जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए इसमें से। तो ये तिल भी अच्छे से भून गए हैं, अब इसे भी निकाल लेंगे हम। देखिए पॉप होना स्टार्ट हो गया है, तो इसी स्टेज में इसे हम निकाल लेंगे। अब तिल भून चुके हैं अच्छे से, इसके साथ अब अलसी भून लेंगे। ये जो अलसी है बहुत ही फायदेमंद होती है स्पेशली महिलाओं के लिए, तो इसे ठंड में ज़रूर से अपने डाइट में इंक्लूड करें, और ये सबसे बेस्ट वे है, लड्डू के फॉर्म में आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसे भी अच्छे से भून लेंगे जब तक ये पॉप ना होने लगे। तो ये अच्छे से भून चुके हैं। देख सकते हैं आप ये पॉप हो रहा है, चटकने लगेगा, ये बहुत जल्दी पॉप होता है, तो इससे सावधानी से भूने। इसे अब निकाल लेंगे हम, और इसके बाद हम इसमें भून लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बूरा भी बोलते हैं जिसे, और ये सारी चीजों को हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है। इसे थोड़ी देर भून लेंगे हम, ब्राउन नहीं करना है इसे बहुत ज्यादा। तो ये भून चुके हैं, अब इसे भी निकाल लेंगे हम। और यहाँ जो मैंने ओट्स लिया है इसे अब मैं ग्राइंड कर लूंगी और इसका एक पाउडर फॉर्म कर लूंगी। ये देखिए इसका पाउडर रेडी हो गया है, तो इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे ये जो तेल हमने भून करके रखा था उसे ऐड कर देंगे। और इसमें ऐड कर देंगे ये नारियल का बूरा जो हमने भून लिया था। और जो ड्राई फ्रूट्स आपने, यहाँ मैंने बादाम लिया है, तो इसे आप चाहे तो सिंपली कूट करके डाल सकते हैं। मैंने मिक्सी में इसे एक बार चला लिया है, बिल्कुल पाउडर नहीं किया है। आप चाहे तो पूरा कम्प्लीटली पाउडर बना करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे अलसी, ये ठंडा हो चुका है, इसे भी एक बार हम पीस लेंगे और इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से पिस गया है, अब इसे भी इसमें ऐड कर देंगे।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। और यहाँ पर ये लिया है मैंने रोस्टेड पीनट, जो सॉल्टेड पीनट आता है वो लिया है। आप चाहे तो नॉर्मली मूंगफली जो रहती है उसे आप भून करके भी ले सकते हैं, उसका छिलका निकाल लें और उसके बाद इसे इस तरीके से पीसना है हमें, क्योंकि जो मूंगफली होती है उसमें खुद का ऑयल रहता है, तो उसकी वजह से ये देखिए ये पीनट बटर हमारा रेडी हो चुका है। इस तरीके से हो जाए तब तक इसे हमें पीसना है, बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी का ये हो जाएगा। ये देखिए इसमें आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आपको कंटिन्यू इसे बीच बीच में चलाते हुए पीसते रहना है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है गुड़, गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मीठा जितना पसंद हो उसके अकॉर्डिंग ले लें। और अब इसके साथ ही हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए आप इसका जो बिल्कुल पेस्ट रेडी हो चुका है गुड़ और मूंगफली का, तो इसे अब इसमें हम डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मैश करते हुए इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल क्रम्बली सा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। ये देखिए बाइंड कर रहे हैं तो हल्का सा बाइंड हो रहा है ये। तो इसमें हम डाल देंगे अब इलायची का पाउडर। इसे भी मिक्स कर लेंगे। और इसे बाइंड करने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने मेल्टेड घी, तो इसे इसमें डाल देंगे और धीरे धीरे करके ही डालें इसमें, क्योंकि इसमें हमने मूंगफली जो डाली है उसमें भी ऑयल होता है, तेल ये सारी चीजों में ऑयल होता है, तो ये घी डाल के आप इसे बाइंड करें, तो थोड़ा थोड़ा ही करके घी ऐड करें इसमें। इस तरीके से मसलते हुए इसे मिक्स करना है। तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है घी इसमें, ये अच्छे से बाइंड होने लगा है। आप इसे इस तरीके से प्रेस करके चेक कर लें तो ये बाइंड हो रहा है अच्छे से, मीन्स हमारे जो लड्डू हैं इसमें घी की क्वांटिटी परफेक्ट है। और इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए इसका राउंड शेप दे लें। इस तरीके से स्मूथ कर लें और ये देखिए सुंदर से और हेल्दी टेस्टी से लड्डू बन के रेडी हैं। इसी तरीके से सारे लड्डू बना लें। ये देखिए लड्डू बिल्कुल रेडी हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं ये देखिए, और हेल्दी बहुत ज़्यादा है ये। तो इस विंटर इस रेसिपी को एक ट्राई ज़रूर दें और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू एंड बाय बाय।